जोकर बन रहे हैं, वैसे लगते भी जोकर की तरह ही हैं। जोकर ही है। हाँ सही है। जोकर सही ऊंचा तो गिरा कौन है ना, इतना ऊंचा गिर जाओगी। तुम छोटा ही रह गए। आज मेरे पीछे पीछे गाली गाल है। आप भी पीछे आ रही हूँ, चलो जल्दी। कौन है? और उधर मम्मी बर्तन साफ कर रही हैं। ए मोनिका, ए बाहर कौन है? मैं मम्मी का दी दो दिन दूध है। आज तो ओवरिया पे गाय ला ठंड लग गए। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हुआ था, आप सबने देखा नैनी ने स्टार्टिंग की थी, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बर्तन साफ। बाकी सब जो है वो ये मेहनत का काम कर रहे हैं, मतलब, और ये क्या बोलते हैं इसको, देखो मैं पहले तो आप लोगों को अपना लुक दिखा दूँ। तो यहाँ पर बैठ कर मैं कर रही थी बर्तन साफ, क्योंकि उस एरिया में बर्तन साफ करने अभी अलाउ नहीं है, वहाँ पर पानी बिखरेगा। और उधर लगे हुए मिस्त्री, तो मिस्त्री लगे हैं तो वहाँ बर्तन नहीं साफ कर सकते। और भाभी इन्हीं के साथ में लगे हुए हैं, पत्थर डाल रहे हैं इधर की साइड में। ये जो एरिया है ना, यहाँ पर एक चार दीवारी होगी और इसमें ना बहुत ही सुंदर सा वो होता है ना कि गार्डन बना जाएगा, तो इसीलिए ये एक चार दीवारी लगाई जा रही, ताकि जो हमारे गाय भैंस है ना, ये कभी खुल जाती है ना तो क्या करती हैं, पेड़ पौधों को खा जाती हैं, जो कि बहुत गंदा लगता है कि इतनी मेहनत करें पेड़ पौधों पर और फिर उसके बाद में गाय भैंस खा जाएँ। तो उस चीज़ को सोच करके बोले कि चलो इधर ना एक चार दीवारी निकाल देते हैं, और ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, 3 फीट जितनी हो जाएगी, और उसमें एक गेट लग जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो अंदर अंदर इस एरिया में झाड़ू लग जाए, पूरे खेत में झाड़ू ना लगानी पड़े, क्योंकि अब कोई बाउंड्री तो है नहीं, बहुत आगे तक झाड़ू लगानी पड़ती है, पत्ते आ जाते हैं घूम फिर के हवा के साथ में अंदर, तो वो जो फ़ायदा है ना वो हो जाएगा। और हमारे यहाँ पर पत्थरों की चिनाई होती है, चिनाई बोलते हैं हमारे यहाँ पे, दीवार बनाते हैं पत्थरों से, क्योंकि आप सबको पता है पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ में पत्थर ज़्यादा होते हैं, तो ईंट कोई नहीं मंगवाता, पत्थर ही मंगवा लेते हैं। और सारे बच्चे लगे हुए हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हो रखी हैं। और हमारे यहाँ गाँव में ना मज़दूर नहीं लगाए जाते, मज़दूर की जगह पर भैया हो गए, नैनी के पापा हो गए और बच्चे हो गए, सारे मिलकर के काम कर लेते हैं। तो ये देखो ये नींव खोदी गई है, और टंकी जो है ना वो इसी में कवर हो जाएगी, टंकी अंदर हो जाएगी, अब टंकी बाहर नहीं रहेगी, पहले टंकी बाहर थी। और देखिए पहले इधर काम चला था, मतलब जो है अपना ये वाला जो घर है ना, विशाल वाला घर, पहले यहाँ पर मिस्त्री लगे थे, उसके बाद में इस एरिया में मिस्त्री लगे हैं। तो अब मैं यहाँ लेकर आई हूँ, आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ कि अभी क्या हो रहा है। ओरिजिनल साउंड रखती हूँ थोड़ी देर में, आप लोग एंजॉय करना, फिर उसके बाद में जहाँ मुझे लगेगा वॉइस देनी चाहिए मैं वॉइस दूँगी। और सबसे पहले नैनी जो है ना वो आप सबको वहाँ का थोड़ा सा बाहर का एनवायरनमेंट दिखाएगी, फिर अंदर क्या काम करवाया है वो दिखाएगी। इस घर में जो काम चला था ना, मतलब मिस्त्री लगे थे, तो क्या काम करके गए हैं। जाऊंगी उधर ही, चमकी तो नहीं ना, मैंने टाइम लगवा दी नहीं है, इसको वीडियो बना चिमगी है। मेरी सिवान की फोटो भी करना है। छे तुम्हें अभी कर ला।
तो जी यहाँ पर ये तो हो गई इनताई बेटी की गोशिप। तो ये इसके बाद में मैं दिखाती हूँ अंदर, देखो ये काम हुआ है। एक तो ये जो बीच में जो अपना ये पगडंडी टाइप में ये टाइल के टुकड़े बिछाए गए हैं और बाकी सारे में ना पत्थर बिछाए गए हैं ताकि मिट्टी ना उड़े। और आंधी में ना मिट्टी सारी अंदर चली जाती थी, अब मिट्टी नहीं जाएगी, इसमें अच्छे से सीमेंट वगैरह भर दी जाएगी। और ये वाला पोर्शन जो है ना ये कम्प्लीट हो चुका है अब हमारा। इसमें बाद में कभी काम चला तो पता नहीं क्या बनवाएंगे। दिखाना पड़ेगा फिर? दिखा दूंगी। भाई साहब जी कहाँ गए? वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय राम जी की, नमस्कार। और ये देखो सुबह के बज गए 9:30, डेट है आज। इस फोन में देखते हैं किसका फोन है। ये राखी का फोन है। 9:35 हुए हैं, 19 मई है आज, फ्राइडे। आज हैं हम गांव में, मतलब मेरे ससुराल में। तो यहाँ से हमारा ये तीसरा या चौथा व्लॉग होना चाहिए। और अब बनाएंगे सब्जी। सब्जी किस चीज़ की बनानी है? एक तो आलू की, एक प्याज की। प्याज की अलग से बनेगी, जो कि सिवांश और माँ खाएंगे। पापा जी है घर पे, पापा जी किसी काम से गए हैं आज। मतलब वो होता है ना कि ज़मीन वगैरह देखने के लिए, ज़मीन देखना मतलब ये ज़मीन कैसी रहेगी सामने वाले के लिए, ज्योतिष के अकॉर्डिंग। तो वो सब देखने गए हैं पापा जी। तो पापा जी का खाना पता नहीं अब कब आएंगे कब नहीं आएंगे, बाकी बाहर मिस्त्री लगे हुए हैं, वो लोग खाएंगे घर पे। हमारा बना रही प्याज की सब्जी माँ और शिवांश, हमारी आलू की और टमाटर की। और यहाँ प्याज डाल रखी है हमारे यहाँ पे, जिसमें से इतनी मैंने ले ली, छिलके उतार के फिर धो के लाऊंगी मिट्टी जब ये टेगी इनकी। ये देखो मेरा हीरो भी ना लिया शिवांश, यहाँ बैठ के प्याज काटने वाली हूँ मैं। माँ गई है नहाने के लिए, भाभी लगी है बाहर मिस्त्रियों के साथ में। बाहर ये बाउंड्री बनने के बाद में बहुत अच्छा व्यू हो जाएगा बाहर का। वाले बाथरूम में माँ नहा रही है, इधर से पत्थर उठाए जा रहे हैं, सब लोग लगे हुए। क्या ये जीजी की शादी का है? ये देखो मोना की शादी का लगाए नहीं है अभी। मर भाई पी रही है पानी, मन्ने प्याई भाई है, मन्ने भी प्यास लग रही है। तो मैं सब्जी पहले काट ली हूँ सारी, काट कूट के फिर छुपन लगूंगी एक ही साथ, बार बार सांग ना रहे। प्लेट और ले आऊँ एक, एक तो छिलका होकर ही चाहिए, एक टोपी। ये देखो हमारे चप्पल में मट्टी नुआ और मट्टी 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 बच्चे तो कदम लगा गए। ये सारी चीजें मैंने रख ली, अब मुड्डी ले लूँ भैया। तो क्या मिस्त्री में पानी पियाने जा रही है? ये मेरे लिए मुड्डी लेने चाली थी, मुड्डी नूरी छोड़ चाली पानी पी के उल्टी जा रही। तो चाचा जी बाहर नहीं लग रही? देखो यहाँ लगे हुए मिस्त्री, आज दो मिस्त्री हैं। ये कौन आ रहे है? घंटी उड़ा। और यहाँ पर शिवांश और उसकी फेवरेट सिस्टर, मतलब शिवांश जो है ना अपनी बेस्ट जो बहन होती है ना उसमें जो विशाल की सिस्टर है ना वो उसकी है, तो उसके साथ में ये पूरे दिन रहता है और उसके बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करता रहता है। ऐसे करता है कि जैसे कि इसके मतलब इसके बिना ही रह नहीं सकता। और यहाँ पर देखो मैं दिखा देती हूँ, अभी मिस्त्री आ चुके हैं दोनों, अशर्मा जी बैठे हैं बाहर, बजरी छानेंगे थोड़ी देर बाद में क्योंकि बजरी का काम होना है अभी, मतलब बजरी काम में आएगी ना जैसे मसाला मिलाएंगे, इसलिए बैठे हैं बस। तो जी बाहर मिस्त्री लग रहे हैं, मैं थोड़ा सा व्यू दिखा रहे ठीक है। तो पंखा कर देते हैं बंद और अब बनाते हैं सब्जी।
ताकि सब्जी टाइम से बन जाए, खाना वाना खाएंगे सब लोग, काम करते हैं पूरी।